प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष की यात्रा में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, आप भी अपने परिचय के तौर पर नीचे अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर अध्यात्म और ज्योतिष से परिचित हो सकते हैं। दर्शकों, फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग आज की चर्चा को शुरू कर लेते हैं। द्विग्रही योग, जिस पर लेकर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, आज की चर्चा रहेगी तीन ग्रहों की युति को लेकर। त्रिग्रही योग की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सूर्य, बुध और गुरु। अब आप देख सकते हैं, सूर्य जहां नैसर्गिक रूप से राजा हैं, प्रधान हैं, ज्ञानी हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति गुरु हैं, ज्ञानी हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं। साथ में बुध बैठे हैं जो इन्हीं के साथ इन्हीं से संबंधित फल भी प्रदान करेंगे। लेकिन मैं इस चर्चा को शुरू करूँ, आपको फिर बता देता हूँ, यह चर्चा किसी लग्नगत आधार पर नहीं है, किसी भावगत आधार पर भी चर्चा नहीं है, सामान्य रूप से युति का फल है, अर्थात तीनों ग्रहों की एक साथ बैठने की स्थिति को लेकर। क्या स्थिति बनती है? बुध जी वार्ग संयोगे नेत्र रोगे महाधनी शस्त्र शास्त्र कलाभिज्ञो लिपिकर्ता भविन्नरः। तीनों ग्रहों की युति व्यक्ति को लेखक बना सकती है, सामाजिक कार्यकर्ता बना सकती है, दूरदर्शिता ऐसे लोगों के अंदर पाई जा सकती है, काव्य श्रृंखलन करना, संचालन करना, प्रकाशन करना, इससे संबंधित फील्ड में व्यक्ति हो सकता है, ज्ञान अर्जन करने के साथ साथ ज्ञान का प्रदान करना ऐसे लोगों का शौक हो सकता है, बड़े धनी, बड़े व्यवहारिक, कुशल कार्यनीति में, रणनीति में ऐसे लोग देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये योग काफी हद तक श्रेष्ठ है। कारण क्या कि तीनों ग्रहों की शुभ युति साथ में है। देवगुरु बृहस्पति सूर्य दोनों अच्छे हैं, लेकिन साथ में बुध यहां पर आएंगे तो ये इनसे संबंधित ही फल प्रदान करेंगे। वह शर्त है, इस पर किसी क्रूर पापक ग्रह की अगर दृष्टि बनती है, विशेषकर पाप ग्रह की दृष्टि बनती है, तो इसके फल में विपरीतता देखी जा सकती है। तो दर्शकों, ये थी छोटी सी चर्चा तीनों ग्रहों की युति पर। आप बने रहें और देखते रहें ऐसी तमाम चर्चाएं अध्यात्म ज्योतिष पर। हमें दी जाए फिर इजाजत। धन्यवाद।